अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है अल्लाह पाक की पाक बारगाह में आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। आजकल व्लॉग जो है ये मैं इस बेस पे बना रहा हूँ कि मुबशर सदीक पे जो है ना लोग बहुत अटैक कर रहे हैं। यार ठीक है, उनका एक अपनी प्राइवेसी है। यूके में वो इस मरतबा वो स्पॉन्सर पर गए हुए हैं, उनको अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है। ठीक है, कुछ व्यूवर उनके सब्सक्राइबर उसके फ़ाइन उन्हें मिलने आए हैं किसी मजबूरी के तहत। अगर वो उनसे नहीं मिल सके या उनसे कोई मिस्टेक हो गई तो यार अल्लाह माफ़ करने वाला, तो इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता? इंसान भी तो अल्लाह की ही मखलूक है, तो चाहिए ना उसे भी कि वो अपने जो है ना बंदों से अगर कोई गलती हो जाए या फ्रेंड से या दोस्तों से तो उन्हें भूल जाना चाहिए, दिलाजारी नहीं करनी चाहिए किसी की। अल्लाह ने उसे एक इज़्ज़त दी है, उसका एक मुकाम है। यूट्यूब हमारी फैमिली में है, वो भी माशाल्लाह हम एक घर की मानिंद हैं। तो अगर घर के ही लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो बातें करेंगे, हैं, अगर घर के ही दोस्त जो है ना एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे तो व्यूवर्स गैरों को तो खुद ही मौका मिल जाएगा ना। हो सकता है कि पॉजिटिव सोच पे जाएं हम, तो ये देखें ना कि मे भी कि वो उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है, तो कहता होगा या सोचता होगा मुबशर भाई, मुबशर सदीक जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार मेरी एक प्राइवेसी है, तो जिस बिना पर वो जो है ना वो नहीं एक दूसरे से मिल रहे, तो इंशाल्लाह ताला इतना भी नहीं है कि आप जो है ना उसके ख़िलाफ़ हो जाएं। कोई प्राइवेसी किसी की देखनी पड़ती है कि अगर उसकी कोई मजबूरी है तो उसकी मजबूरी से निजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ना आप अपना दिल नाराज़ करें और ना ही किसी की जो है ना दिलाज़ारी की जाए। पॉजिटिव सोच रख के जो ना देखा जाए कि यार क्या वाकई ही उसने उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अब वो बिल्कुल माशाल्लाह इधर हमारे फैसलाबाद में आए हैं, बिल्कुल ईज़िली जो है ना वो दोनों भाई ज़ैनुल आबिदीन भाई और मुबशर भाई जो है ना वो घूमते रहे हैं, किसी किस्म की उन्हें जो है ना कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं बनी। वो यही चाहते होंगे ना कि हम आज़ाद फिरें, आज़ाद घूमें, क्योंकि वो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखना चाहते। तो जैसे हालिया पिछले दिनों में 14 अगस्त को आपने वाकया सुना होगा आयशा अकरम का, उसने जो है ना वो सारी कहानी आपको मेरे ख्याल में अगर मैं बतानी शुरू कर दूँ तो वीडियोज का व्यूवर्स काफ़ी जो है ना वो लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो है ना हर बंदा अपने लिहाज से और अपनी सोच के साथ चलता है, ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है, कुछ व्यूवर्स जो हैं ना उसके बारे में मैंने वीडियोस यूट्यूब फैमिली में यानी कि कुछ वीडियोस देखी हैं तो वो मुबशर भाई से जो है ना काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी हैं, मगर कहते हैं ना कि अगर इंसान पॉजिटिव सोच रख ले तो इंसान कुछ अच्छा सोच सकता है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि अगर दोस्त किसी को बनाना है तो अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो ताकि अपने दोस्त की बुराइयों को छुपा सको, दफन कर सको। इसीलिए व्यूअर्स, अगर आप अपने दोस्त की कोई भी बुराई अपने दिल में दफन नहीं करोगे तो अपनी दोस्ती को कैसे काम कर सकोगे? दोस्ती तो फिर जो दोस्ती ना रही ना। इसलिए व्यूअर्स मैं मुबशर भाई का भी समझता हूँ। ठीक है, अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है यूट्यूब में, माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें और इज़्ज़त दे, मगर व्यूअर्स जो है ना कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी लगे हैं यूट्यूब में कि जो है ना अपना इमेज बनाने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कुछ बातें कर रही हैं, मगर मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है उनके कहने पे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त दे। और वो आजकल जो है यूके में गए हुए हैं स्पॉन्सर वीज़े पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि व्यूअर जो है ना नेगेटिव सोच लेने से पहले जो है ना पॉजिटिव भी थोड़ा सा सोच लिया करें। ये भी एक अच्छा अमल है कि कई मरतबा आप जो ना कई मरतबा सो ही ले कर लें कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपके दिल में यह ख्याल आ जाए कि यार नहीं वाकई ही वह बुरा है, तो वो किसी हद तक इंसान जो है ना उसको बर्दाश्त कर सकता है, मगर डायरेक्टली ही किसी पर जो है ना इतना एतराज़ नहीं कर देना चाहिए। मेरी भी ज़िंदगी है कुछ, मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ जो है ना काफ़ी वक्त गुजारा है,
23-24 साल का अरसा गुजारा है और अपनी ज़िंदगी को एक वक्फ कर दिया था, मगर मैं आज अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हर काम अपनी ज़िम्मेदारी से किया है, मगर आजकल जो है ना वो ज़िम्मेदार लोगों की इतनी कदर नहीं होती। लोग अपने मतलब के लिए जो है ना लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए खुदारा जो है ना वो अल्लाह की रज़ा जो है ना वो हासिल की जाए। ठीक है भाई, बस वीडियो जो है ना वो लेंथी हो रही है, ज़्यादा चाहूँगा, मगर मुबशर भाई का जो है ना थोड़ी सी मेरे व्यूअर्स और मेरे वॉच जो हैं वीडियोस करने वाले और नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो पॉजिटिव भी जो है ना थिंकिंग करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।